देखो आई एम नॉट श्योर कौन सा मेट्रो पिलर था, कौन सा पेड़ था, कौन सा पोल था, ठीक है, बस इतना पता है कि इसी फुटपाथ पे मैं था। बी से यहाँ से क्रैश करता हुआ मेरी बाइक टकराई इनमें से किसी पोल पे। अभी आपको मैं अपनी करंट सिचुएशन बता, फीलिंग ओल्ड भी, ठीक है। वैसे तो पिछले साल इसी टाइम नवंबर पे मैं जो ऑल इंडिया राइड पे था, मैं जो दिल्ली में ही नहीं था, ठीक है, अभी हम विशाखापट्टनम के आसपास पहुंचे थे। वैसे बताऊं तो ये सब फीलिंग ओल्ड भी बट विद पेन्स। बाइक इज रनिंग सो परफेक्ट नाउ कि मैंने सोचा नहीं था, जो हालत मैंने बाइक की कर दी थी ना उसके बाद बाइक इतनी स्मूथ चलेगी। आज सैटरडे तो रोडे भी काफी खाली खाली मिल रही है, तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है कि देखो बाइक ना 100% रेडी नहीं हुई है। बाइक अगर मैं बताऊँ तो बाइक रेडी हुई है 98-99%, ठीक है। थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो धीरे धीरे करते हुए, जैसे हमारी पिछली जीना 100 थी ना, यही वाली, मतलब ये एक्सीडेंट होने से पहले वैसी बन जाएगी। बट क्या हाल है, ये क्या हाल चाल है तुम्हारे, कैसे हो, मजे में, क्या चल रहा है यार? साला इसमें लॉन्ग कैल लगाओ या फिर टीबी कलर लगाओ, मेरे से नहीं चल रही भाई ये, भाई बहुत लाउड है यार ये। और बताओ, बाकी वही है कि उसमें अभी भी ये वो मार रही है, हाई आरपीएम पे लेके जा रहा हूँ ना, मान के चलो सेकंड हो जाने दो, हाँ सर्विस चला होगा ना उसके बाद चेक कर लेंगे, ठीक है। बाकी चलो ये एग्जॉस्ट करो करो। तो अभी का अपडेट ये है कि जो हमारा एस्टन रखा हुआ था वो हमने निकाल दिया है, और हमारा जो है नया एग्जॉस्ट भी फिटिंग होके आ गया, काफी डार्क हो गया ऑफ कोर्स, और ये काम अभी जो हम करवाने वाले हैं। पे लग गया बहुत ही ज्यादा लॉन्ग कैन मधुर आवाज के साथ, पता चल रहा है इनलाइन 4 है, इनफ है, बस मेरे कान में को बहुत प्यार है, उस सेल बढ़िया है। हमारी बाइक पर जो है एग्जॉस्ट भी साइलेंट हो गया है, आगे नंबर भी लिखवा ही लिया है। अब अगर कोई पुलिस वाला बोलेगा यार नंबर रही है, तो सिंपली बोलूँगा भैया नंबर प्लेट आ रही है ऑर्डर पे है। और हाँ क्या है, कैमरा थोड़ा टेढ़ा, हाँ तो क्या सी रहा है, उसके अलावा स्टिकर भी लग गया राघव व्लॉग्स के, और मोहित को मैंने पहले भेज दिया था कि भाई घर पहुँच जा वहाँ से निकल, मैं तो सीधा डेंटिस्ट पे जा रहा हूँ, मेरा यार कैप निकल गई थी और मैं लेट हो जाऊँगा, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है। देखो अगर जनरली दो तीन चीज़ों को छोड़ के बताऊँ, बस ये एक ABS लाइन है मेरी बाइक की, बस वो मिल जाए, उसके बाद अगर मैं ट्रूली बताऊँ मेरी बाइक सुप्रीम लेवल पे आज तक जो मैंने रखी है ना, जिस हिसाब से मैंने एग्जॉस्ट बनवाया है फुल सिस्टम, ऑफ कोर्स डी कैट है उसकी जाली निकली हुई फॉर अ स्मूथ एग्जॉस्ट, ठीक है, फॉर डी कैट फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगा हुआ मेरी बाइक पे, उसके बाद तो देखा जाए तो ये KT की लाइट है, ओ भाई ये क्या लगती है, ठीक है, विंडशील्ड ले लो, मिरर्स ले लो, और सिमटेक का जो मोबाइल माउंट आया है, फ्रेम स्लाइडर ले लो, एक और गार्ड मेरी नज़र में शायद परसों तरसों में मैं वो गार्ड भी लगवा लूँ अपनी बाइक पे। तो उसके बाद मेरी बाइक आज तक सिर्फ ABS लाइन को छोड़ के सुप्रीम लेवल पे होगी जितनी मैंने अपनी Z900 आज तक रखी है, ठीक है, बस वो चीज़ रहती है, और उसके बाद एवरीथिंग इज़ बाइक पे बूम, और बस और कुछ नहीं पता, कुछ नहीं बचा बाइक में ऐसा कि हम जो है इसको लैग बोले कि यार पुराना वर्जन अच्छा था ये अच्छा नहीं है, बिल्कुल सच सच बोलूं
एग्जॉस्ट बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। यहाँ से लुक जो आ रही है ना एग्जॉस्ट की, बहुत प्यारा लग रहा है। सुबह दिखाऊंगा कल राइड पे। और बाकी हमें नंबर ऐसे लिखवाना पड़ा क्योंकि ऑब्वियस रीजन विजिबल नहीं होगा तो दिक्कत होगी, ठीक है। राघव व्लॉग्स भी आ गया, राघव व्लॉग्स इधर भी आ गया ताकि दिख जाए कि हाँ भैया राघव व्लॉग्स की बाइक है। नाइस। द नेक्स्ट डे व्हेन आई वाज डाउन इन माय लाइफ आई नेवर इमेजिन कि मैं फिर से संडे राइड पे जाऊंगा, लेकिन द डे इज हियर। दिल्ली में अभी ठंड नहीं आई है बट आ जाएगी बहुत जल्दी और बड़ी कड़ाकेदार आएगी, क्योंकि अभी थोड़ा ऐसा हाल है कि हाँ भाई चुभने लग गई है। 95 ऑक्टेन डलवा लिया, थोड़ा महंगा पड़ता है, थोड़ा नहीं बहुत महंगा पड़ता है, बट इट्स इम्पोर्टेंट फॉर अ बाइक राइट नाउ। एक्चुअली बाइक में हम एक और बात नोटिस कर रहे हैं कि थोड़ा फ्यूल पंप पे भी इशू हम जो है नोटिस कर रहे हैं। अगर बाइक को प्रॉपरली फ्यूल मिलता सब चीज़ें तो ठीक है, अगर ऐसा ही चलता रहा 1% को कि मतलब बाइक जो है मिसिंग मारती रही तो फ्यूल पंप भी हमें शायद चेंज करना पड़ेगा। और या NSP दी राइड स्टार्ट करी है इस बस स्टैंड पे, पहली राइड हो गई मुझे, हज़ारों राइड हो गई, हज़ार तो नहीं मतलब आपका कम से कम 100 राइड तो हमने यहाँ से स्टार्ट करी है, ठीक है। अब सारे बड़े लोग हो गए हैं, सब मेहनती हो गए हैं, सब अपने काम धंधे पे लग गए हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा मेरे को कोई फ्लैशबैक वगैरह आ रहे हैं, कोई ओवर रिएक्ट नहीं करूँगा, बट इट जस्ट लाइक ऐसा लग रहा है इट्स अ न्यू मॉर्निंग कि राघव जो हुआ हो गया, नाउ वेक अप एंड मूव ऑन विद द पॉजिटिविटी, ठीक है। एंड या काफ़ी लोग कह रहे थे कि भाई राइड सेफ राइड सेफ, गाइस आई नो हाउ टू राइड सेफ, आई नो आप मेरी तरफ कंसर्न दिखा रहे हैं, ठीक है, बट आई नो द पेन, आई नो द फील what happened if you fall very hard, ठीक है। I remember, I know, मेरे से बेटर कोई नहीं समझाएगा किसी को, ठीक है, बट इट जस्ट लाइक कि जब बार बार कोई कुछ बात बोलता रहा तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। यहाँ तक तो आ गया था, यहाँ इस जगह पे तो आ गया था मैं। ओह गॉड, अब आया फ्लैशबैक, आ गया था गाइस, यहाँ तक आ गया था, यहाँ से आगे रेप्लिकेट करे, चलो यहाँ से मैं निकला, ठीक है। यहाँ से एक और बाइक निकली थी कोई, मुझे याद नहीं है कौन सी, आई थिंक स्ट्रीट ट्रिपल टाइप, ठीक है। और वी आर जिसे कहते हैं गोइंग ऑन 100 and 120, जैसा मेरे को याद है। मैंने ये यू टर्न क्रॉस करा, ठीक है, कर लिया था, क्रॉस कर लिया था, मैं इस लेन में आया हूँ, आई वॉज ऑन 120 130 जहाँ तक मेरे को याद है। यहाँ से मैंने ऐसे कट मारा और मेरा ये हाथ छूट गया, ठीक है, मेरा ये हाथ छूट गया और जो है बाइक डिसबैलेंस हो गई, बिकॉज ये हाथ पे मैंने इमरजेंसी ब्रेकिंग मार दी, ठीक है। अभी तो मैं 40 पे कर रहा हूँ ना ये सेम चीज़, अब ये इसे 120 130 पे, और मैं यहाँ से क्रैश करता हुआ, मेरी बाइक टकराई इनमें से किसी पोल पे और मैं यहाँ पे फुटपाथ पे पड़ा हुआ था और हर जगह पे ऑयल ही ऑयल था। मैं अभी तक कहाँ पे बैठा हुआ, आज है 19 नवंबर 2023, और आज से अगर 10 महीने पहले थे, 10 महीने में भी 3 दिन बचे हैं अभी, पहले अगर हम अपने आप को देखें तो हम इसी फुटपाथ पे पड़े हुए थे, हमारी बाइक जो है इनमें से ही किसी पोल पे जो है जाके ठुक गई थी और उसकी चेसी वगैरह सब डैमेज हो गई थी, हम वही बैठे हुए हैं। बट यहाँ पे एक फ़र्क है, फ़र्क ये है कि मैं राघव कटारिया AKA राघव व्लॉग्स और पैंथर इसी जगह पे सेम जगह पे है,
देखो आई एम नॉट श्योर कौन सा मेट्रो पिलर था, कौन सा पेड़ था, कौन सा पोल था, ठीक है, बस इतना पता है कि इसी फुटपाथ पे मैं था, ठीक है, और मेरी लेग जो है वो पता नहीं कैसी पड़ी हुई थी, कुछ भी पता नहीं चल रहा था क्या हुआ है उनको, और आई एम आउट ऑफ जोन कि मैं अभी आउट ऑफ जोन कि भाई व्हाट आई फेस, व्हाट आई, जिसे कहते हैं ना व्हाट आई, बस वर्ड्स नहीं है मेरे पास, छोड़ो व्हाट आई करता रहूँगा, बढ़िया, इट्स अ कम. Okay, so I don't know this is the biggest comeback or not. मैं इससे बड़ा comeback जो है जडपा जी को मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो करा जैसे करा उनकी कंडीशन मेरे से ज़्यादा वर्स थी, उनको इलाज मिलने में काफ़ी टाइम लगा, ठीक है, बाइक तो खैर ठीक हो ही जाती है, ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर मैं मानूँ तो yes, this is a great comeback by me, और thanks to my mom, थैंक्स टू माई दादू, थैंक्स टू माई पापा, पापा साथ नहीं थे इस पूरे दौरान फिजिकली, आई नो इज वॉचिंग फ्रॉम अप एंड ब्लेसिंग मी एवरी सिंगल टाइम, और मम्मी की तो जितनी थैंक करूँ उतनी कम है, और ये दिस इज राघव फॉर यू गाइस, मैं जितनी बार भी बोलूँगा उतना कम है कि दिस इज राघव फॉर यू. आसान नहीं होता कि वापस अपने कदमों में वही उसी जगह पे आना जहाँ पे आप अपने वर्स्ट स्टेट पे थे, आपकी बाइक जो है पूरी खत्म हो गई थी, हम वहीं पे खड़े हैं. एक तो भाई साहब संजय वन क्या साइड आती है, ऐसी ठंड लगती है ना जो कि लग रही है. काफी लोग कह रहे थे बिल्ली मारते हो गिरा है, कसम से बताओ आज तो मैं बिल्ली मारते हुए गिरा हूँ, और मैं यही गिरा हूँ इसी स्पॉट पे, ड्यूब पे गिरा हूँ बस, इसके अलावा बिल्ली मारते हुए गिरा ही नहीं आज तक. कौन बीएसडी के था, मिलेगा पराठा, यहाँ पे पराठा मिलता भैया, क्या हाल है, तू सुना तेरे को, बढ़िया, कौन लाया हो, मैं अबे तेरे बुरे लग रहे हैं, हेलो, हाँ जी, कैसी तबीयत, कैसी यार, मच बेटर भैया, सब ठीक है, हाँ धीरे धीरे हो रहा है सब ठीक, बाइक तैयार होगी, चलो ये तो अच्छा हुआ, हाँ बिल्कुल, मैं वो कह रहे पहचाना, मैं तो राघव लग रहा बाइक से, वही हूँ मैं, वही तो हूँ मैं, और सब ठीक है, हाँ जी, नाइस मीटिंग यार, इस चीज को मैं इतना ज्यादा मिस कर रहा था ना, पराठे रोज चलता था भाई, पराठे तो दबा के चलता था, लेकिन उस पे आना, ठीक है, और आके पराठे खाना, इसमें जमीन आसमान का फर्क था, और आज हम वो कर रहे हैं. भैया वो गुस्सा आ गया, भैया भगा लो भैया, मेरा कोई मन नहीं है, भाई को भी गुस्सा आ गया, भगाओ भगाओ, यही अगर 22 जनवरी से पहले वाला राघव होता तुम्हारे फाड़ के रख देता, कोई नहीं, भाई क्या हो रहा है, रोहिणी में ईवी बस से पलटती जा रही है, ईवी को प्यार से नहीं चला रहे हैं क्या, हाँ दूसरा केस है एक महीने में, सेक्टर 3 वाला केस देखा होगा, ईवी पलट गई थी, भाई साहब पूरी बस ही पलट गई, ये भी ठीक है, ईवी बसों का कोई सीन है भाई, चलो हम तो भैया घर आ गए, Thank you.